तो मैं बना रही हूँ आलू के परौठे, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। परौठे परौठे सुन सुन के मुँह में आलू के परौठे बस गया है, वीडियोस में देखते देखते। तो आलू जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज शनिवार का दिन है। आज है मेरी छुट्टी, तो आज मैं आराम से उठी हूँ सो के, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने अपनी चाय पी ली है यहाँ पर बैठ के धूप में। तो मैं यहीं अपनी बालकनी के पास बैठी हुई हूँ अपने रूम में, और यहाँ से बहुत तेज़ धूप आती है। एकदम जो सूरज है सर के ऊपर ही रहता है इस वाले रूम में सामने। तो थोड़ा मैं धूप भी ले रही हूँ क्योंकि डेली लाइफ में धूप मिलती नहीं है ऐसे आराम से बैठ के। तो बस यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी लाइट आ रही है, एकदम मेरे फेस पे भी पूरी लाइट आ रही है। और मुझे ना यहाँ पे पिंपल हो गया है अभी कल से। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग की। और बस अभी मैंने चाय पी ली हूँ और थोड़े बहुत अपने काम करूँगी मैं। मुझे थोड़े वीक वाले कपड़े भी वॉश करने हैं, वो करूँगी। और खाना देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मैंने कल फ्राइडे के दिन कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द था, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो आज से हम अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। और आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो सभी के घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही होगी, हमारे घर में भी शुरू हो गई है दिवाली की सफाई, यहाँ नहीं मेरे घर में। तो दिवाली तक तो अभी सभी के घर काम चलेंगे और काफ़ी उमंग से सभी लोग ये काम करते हैं। बस थोड़े ही दिन बचे हैं दिवाली को, ये वीक तो निकल ही गया लास्ट इस मंथ का। आज सैटरडे है, संडे हो जाएगा और फिर आने वाला जो वीक है उसके बाद तो फिर दिवाली ही है। तो बस 10 दिन बचा हुआ है दिवाली को। और तो मैं कुछ ऐसा खास नहीं करूँगी, मैं सोच रही हूँ मुझे बालों में मेहंदी लगानी है कंडीशनिंग के लिए, तो लेने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आज शाम वाम को मैं शायद थोड़ा बाहर में आके मार्केट तक जाऊँ। सो दिस इज़ द व्यू, और ये देखिए सूरज है ना एकदम मेरे सर के ऊपर यहाँ पर, यहाँ से सीधे हमारी बालकनी में, और ये हमारे रूम पे इतनी धूप, और यहाँ मैं बैठी हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से, और मैंने नहा लिया है, घर के सारे काम भी कर लिए हैं, और अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं। तो कितना भी जल्दी करो लेट ही हो जाता है छुट्टी के दिन। और मैं आ चुकी हूँ किचन में एज यूजुअल अपना लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू के परौठे नहीं, आलू के पराठे। वो परौठे परौठे सुन सुन के, वीडियो देख देख के मुंह में परौठे निकल गया, तो लेकिन मैं आलू के पराठे बोलती हूँ तो मैं आलू के पराठे ही बोलूँगी। और साथ में बना रही हूँ टमाटर की चटनी अपनी इजी सी, जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए चलकर बना लेते हैं आलू के पराठे टमाटर की चटनी, क्योंकि 1:30 बज गया है, धीरे धीरे 2 बज जाएगा और दोपहर ऐसे ही चली जाएगी। तो खाते खाते मुझे रात का बिग बॉस पे देखना है, जो वीकेंड का वार था सलमान खान का, वो देखना है। मैंने कल का देखा नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो गई थी, कल नहीं देख पाई थी मैं। तो अभी मैं खाना खाते खाते आराम से देखूंगी, छुट्टी एंजॉय करूंगी। तो आइए बना लेते हैं आलू के पराठे, इस बार कुछ अलग तरीके से। तो जब मेरा जो मन करता है मैं वो चीज़ डाल देती हूँ और बना देती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप आलू के पराठे में कोई कड़ी पत्ता क्यों डाल, मतलब आप कड़ी पत्ता कोई कैसे डाल सकता है, ऐसे कुछ कमेंट था। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है, मैं नॉर्मली जो अगर दिख गया, कभी मन हो गया, और जब खासकर अकेले के लिए बनाना है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ। तो हर बार जैसा मन होता है, जैसी चीज़ें रहती है, वैसे मैं बना लेती हूँ। और अकेले के लिए क्या है, किसे कॉम्प्लीमेंट देना है तो कैसे भी बनाओ और कैसे भी खा लेती हूँ बस मैं। तो अभी चलकर बना लेते हैं आलू के पराठे।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हूँ। पहले हम अपने बाल बांध लेते, क्योंकि ऐसे बाल खुले बाल के साथ खाना बनाएंगे तो खाने में चले जाएंगे। मैंने तैयारी करके रख ली है। ये मेरा आटा मैंने 1 घंटे पहले गूंथ के रख लिया है। और यहाँ पर है भुने हुए टमाटर जिसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पर है, 1 मिनट खुल जा, ये है उबले हुए आलू। तो इसमें जो जो चीज़ें मुझे डालनी है मैं अभी डाल के इसको मैश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ये हरी मिर्च और धनिया रखा है इसमें डालने के लिए, तो बहुत सारी हरी मिर्च डालूंगी। चाहे पेट में अंगारे क्यों ना लग जाए, लेकिन हरी मिर्च ज़्यादा डालना कंपलसरी है, वरना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ आलू है, मिर्च और धनिया। अब मैं डालूंगी थोड़े से मसाले, जो है हमारी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा चटपटा सा बनाएंगे हम, और डालेंगे सॉल्ट। अब कर लेंगे सबको मैश। फिलिंग है पराठे की, वो बन चुकी है और अच्छी लग रही है, कलरफुल, अच्छा ही लगेगा हमारा पराठा। तो आगे अब हम करते हैं, बेल लेते हैं पराठों को। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर तुझ में। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं पराठे। ऐसे ही मोबाइल सेट हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बना ली है आटे की लोइयां। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो इसमें आटा लगा दिया है मैंने। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा सा पहले इसकी रोटी बनाती हूँ, जिसमें हमको इसकी फिलिंग करना है। तो इतनी बड़ी मैंने लोई बना दी है। इसमें मैं डालूंगी अब सब्जी, हमारा जो स्टफिंग है आलू के पराठे का, ज्यादा वादा हम इसमें डालेंगे। तो जो हमारा पराठा है ना, एकदम अच्छा ज्यादा सब्जी वाला बने। तो बहुत ही कम बनाते रहती हूँ मैं, इसलिए ना आदत थोड़ी छूट जाती है, उतना क्लैरिटी से नहीं आता। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे, अच्छे से हमारा पराठा बन जाए। पहले मैं काफी बनाती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा आदत छूट गई है, कभी कभी ही बनाती हूँ। तो ऐसे इसको अच्छे तरीके से गोल गोल करना है हमें, ताकि जो हमारी सब्जी है ना, स्टफिंग जो है हमारी, वो बाहर ना आए। और उसके बाद हम इसको फिर से गोल रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टफिंग भरा था और ये हमारी गोल गोल हो गई है। अब लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, ठीक है। अब हम इसको बेल लेंगे। मीनवाइल 1 मिनट में पहले तवा रख दूँ गैस के ऊपर, तवा नहीं रखा है। ओके, तो अब हम इसको, हमें क्या करना है ना, बेलन को मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ फ्री का ज्ञान। धीरे धीरे हमको इसको रोल करना है, धीरे धीरे। वैसे गाइस, मेरा पहले कुकिंग चैनल भी था, एक या दो दो थे जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने शुरू किया था पहला वाला। तो उसका भी मुझसे आईडी पासवर्ड गुम हो गया, मेरा फोन चेंज हुआ, वो चले गया। और दूसरे वाला चैनल जिसमें मैंने अच्छे खासे वीडियो डाल दिए थे, बहुत सारी रेसिपीज, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ, चले गया मेरे से। तो बस कभी कुकिंग वाले वीडियोस में डाला करती थी। तो ये देखिए, मेरा पराठा बन गया है, सब्जियां दिख रही है। अब हम इसको डाल देंगे हमारे तवे में। देख रहे हैं आप, हरी मिर्ची और हरे धनिया का कमाल, हरा हरा पराठा दिख रहा है। और स्टफिंग तो देखिए भर भर के लग रही है, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ दही नहीं, नहीं तो दही के साथ और मज़ा आता। कोई बात नहीं, जो है सो अच्छा है। ये हमारी चटनी भी कोई कम है क्या? तो मुझे लगता है कि अब ना ये पक चुका है अच्छे से। ये देखिए,
एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया इसका ये। ये चला हमारी प्लेट में। सो देखिए लजीज लग रहा है ना, एकदम लग रहा होगा आप लोग को भी, तो बताना आप मुझे। तो ना मैं बाकी के ये दो पराठे बना लेती हूँ या तीन, देखती हूँ कितने खा पाऊंगी उस हिसाब से। ये हमारा दूसरा पराठा है दोस्तों। दोस्तों हमारी थाली रेडी है, आलू के पराठे बन गए हैं, ये मेरे तीन पराठे हैं। कैसे लग रहे हैं बताना आप, विथ चटनी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरा है मैंने ताकि खाने में अच्छा आलू आलू लगे। तो ये मेरी खाने की थाली रेडी है, अब मैं फटाफट से पेट पूजा करूँगी। थोड़ी चटनी हम लेते हैं नीचे। ये देखिए स्टफिंग। हरा धनिया दिख रहा है आपको, इसमें हरी मिर्ची मिलेगी और लगाएंगे चटनी। ये देखिए, ये लीजिए पहला बाइट आप लोगों के लिए, और अब ये जाएगा मेरे पेट में। बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट बना है पराठा। स्टफिंग तो आपने देख ही ली इसकी। जब तक आलू के पराठे में भर भर के आलू ना हो तब तक खाने में स्वाद नहीं आता है, और इस चटनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से खाऊंगी बिग बॉस देखते हुए, और आपसे मिलूंगी शाम को। बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम के 7 बज रहे हैं। मैं गई थी बाहर, दो तीन काम जो करने थे वो करके मैं आ गई हूँ फटाफट से। तो आईब्रो बनवानी थी और एक दो सामान लेना था, मेहंदी लेके आना था, कल मेहंदी लगाना चाहती हूँ मैं तो। और बस अपनी चाय लेकर बैठी हूँ मैं यहाँ पे इस सुंदर व्यू के साथ, और आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। बहुत सुंदर चाँद निकला हुआ, एकदम पूरा चाँद हो गया है, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा भी है और सुना है साथ में चंद्र ग्रहण भी है कल। तो शरद पूर्णिमा में चाँद जो है वो पूरा ही हो जाता है, तो चाँद पूरा हो गया, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दो बिल्डिंग के बीच में है, बड़ा सुंदर व्यू आ रहा है, लेकिन ना मोबाइल में वो कैप्चर नहीं हो रहा है जो दिख रहा है रियल में। और अभी खाने में मैं पता नहीं क्या बनाऊंगी, देखती हूँ। और बिग बॉस शुरू होने के पहले ही बना लूँगी, आज वीकेंड का वार है तो 9 बजे से बिग बॉस है, उसके पहले ही मैं अपना खाना बना लूँगी। और अभी वीडियो एडिट करूँगी, फिलहाल तो पहले मैं बैठ के जो मैं शूट कर रही हूँ अभी, क्योंकि कल मॉर्निंग में अपलोड भी करना है आप लोगों के लिए। और बताइएगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मैंने अभी आप लोग को बोला था कि शरद पूर्णिमा कल है, कल नहीं है, आज है शरद पूर्णिमा। अभी मैंने घर में बात की और पता चला कि अभी आज ही शरद पूर्णिमा है, घर में खीर बन रही है। तो मुझे पता चला कि कल नहीं आज है शरद पूर्णिमा, और मैं खीर बना के क्या करूँगी, अकेली हूँ, अकेले के लिए मतलब मन नहीं है बनाने का, ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ मैं, अगर बना रही तो थोड़ी बहुत। अगर ज़्यादा लोग होते तो बनाने का मुझे बहुत शौक है, मन हो रहा है बनाने का, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी, क्या करूँगी, फिर वो रखी रखी रह जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये दो बिल्डिंग के बीच में ना चाँद निकला हुआ है, और ना सच में फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा है जो एक्चुअल में बहुत सुंदर लग रहा है ये, और मेरे फ़ोन में उतनी अच्छी क्वालिटी आ नहीं रही है। ये देखिए चांद, बाहर का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। अब इस वीडियो की एंडिंग मैं अब कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो डालना नहीं चाह रही हूँ। और बताइएगा आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आज का। मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।